ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਹਾਰ ਨੀਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਲਾਏ ਜੜਾ ਚੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਲਾਏ ਜੜਾ ਚੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप कहानी बनबन और आज आप देखने जा रहे हैं मेरी एक न्यू वीडियो। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं किसी जाने माने हस्ती यानी किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत जान पहचान वाले शख्सियत के वीडियो के शूट में जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, और वो भी अपने भाइयों के साथ। इस व्यक्ति को आप दोस्तों जरूर जानते होंगे, ये अंडरवर्ल्ड के डॉन। जी हां दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला और कौन। तो यार देखो, TBH ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ एक ही बंदा पसंद है पूरी पंजाबी इंडस्ट्री में, और वो है सिद्धू मूसेवाला। पता नहीं क्यों पसंद है बट मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा था यार, फिर मुझे धीरे धीरे लत लग गई। देन इट टुक अ डार्क टर्न। बट यार एक दिन बड़ा भयानक सपना आया। भाई इतना भयानक सपना भी नहीं आया था क्या फुद्दू आदमी यार, वो बस बहुत रियल था। चलो अब मैं आपको सपना स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो चलिए शुरू। तो सपने में भी मैं व्लॉगिंग ही कर रहा था, और जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं, किसकी शूट हो रही है ये बता दीजिए जरा। मुझे सुनने में है किसी बहुत ही गैंगस्टर की शूट हो रही है। स्टॉप माहौल स्टार्ट। What's up? We are here on an undisclosed shoot. We cannot disclose whose shoot is it. बच्चों तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? शूटिंग। किसकी पता है? हमें अंदर जाने नहीं दिया दोस्तों, बैंड द सीन्स बनाने के लिए। बिहाइंड द सीन शूट कर रहे हैं। बंद कर ले यार। बिहाइंड द सीन शूट कर रहे हैं। किसने बोला? अभी बाहर बोल के आया हूँ ब्रो। बंद कर ले। चलिए यार घर चलते हैं यार, मेरा मन नहीं। उन्होंने बोला कौन है ये, मैंने कहा मैं तो बड़े बोल लेके टीम से कहता हूँ बुलाओ उसको। मैंने कहा रहने दो, मिल नहीं रहा। अभी बाहर बोल के आया हूँ ब्रो। अच्छा तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ छूट पे इतना हमें वेलकम किया जा रहा है। मेरे को भी खिला दे यार। ओ ओ हो ये दिया जी। That's what you call a shoot. It's a new day, new life and new wife. अब हमने थोड़ी बहुत सिफारिशें लगाई, थोड़ा किया घपला, उसके बाद हमें एंट्री मिल गई। जी हाँ दोस्तों, we got entry finally. चलो फिर अब वीडियो देखो। इतना फेक लग रहा हूँ ना भाई। तो अब जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले चीज नोटिस में आई मेरे कि अंदर बहुत ज्यादा पेंट की बदबू रखी थी, जिसकी वजह से मैं ना थोड़ा फेंट फेंट सा हो गया था और मुझे थोड़े चक्कर आने लगे थे, बिकॉज यू नो आई एम अ सेंसिटिव गाय। उसके बाद बहुत बड़ा सेट था, उसमें तीन बैकग्राउंड थे, एक रेड, एक वाइट, एक ब्लैक। मैंने काफी एक्साइटेड था कि सिद्धू मूसेवाले का अनरिलीज गाना सुनने को मिलेगा, बट दैट वाजंट द केस निगस। जो पूरा सेट था ना उसमें सिर्फ बीट बीट बज रही थी। उन्होंने सोचा कि चल बीट लीक हो जाए तो कोई चक्कर नहीं, लिरिक्स नहीं होने चाहिए। उसको बचाने के लिए सिद्धू के कान में एक चिप थी, तो जब सिद्धू गा भी रहा था ना तो वो भी गा नहीं रहा था, वो लिपसिंग कर रहा था। लिपसिंग मतलब कि जस्ट लाइक जस्टिन बीबर इन हिज लाइव शोज, जो भी है ठीक है, समझ गए ना। चला चला
एक चीज बताना मैं भूल गया आपको कि सपना स्टार्ट हुआ कहाँ से। एक रात मुझे आया फोन मेरे बड़े भाई का, जो कि है एक रैपर, तो उनकी वीडियो शूट वगैरह होती रहती है, म्यूजिक वीडियो शूट्स, जिनके मैं बिहाइंड द सीन्स कवर कर लेता हूँ और मेरा व्लॉग भी बन जाता है। कह रहे चलना है? मैं कहाँ? शूट पे। मैं कहाँ? किसकी शूट? सिद्धू मूसेवाले की। एंड मैं सपने में भी बहुत खुश हो गया था, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिएक्शन था। फिर उन्होंने बोला बड़बोले की शूट है, उसने BTS बनाने, तो तुझे उसके BTS बनाने। अच्छा सर, ठीक है, और कुछ नहीं? ओके फिर बाय, निकल। ओके, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। मतलब कोई ऐसा कुछ खास ट्विस्ट नहीं है, नॉर्मल सा है। बड़बोले भैया जो कि एक वीडियो डायरेक्टर, एडिटर, सब कुछ ऑलराउंडर, तो बड़बोले भैया की किसी से यहाँ पर बात होती है और फिर उन्हें पता लगता है उन्होंने बिहाइंड द सीन्स नहीं, उन्होंने ऑफिशियल टीजर बनाना है इस गाने का। उस टीजर के लिए इन्हें शॉर्ट्स भी खुद ही लेने थे। जिनको शॉर्ट्स नहीं पता, वो नहीं, वो वोड का शॉर्ट्स नहीं, जो वीडियो बनाते हैं, मतलब जो कैमरे से वीडियो बनाते हैं उसे शॉर्ट्स कहते हैं। जस्ट फॉर यू टू नो द टेक्निकलिटी, यू नो। एनीवेज, अपने भाजी बड़बोले नू टीजर लैण दा रिस्पॉन्स क्या दिया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। क्या सोचा है फिर आपने? कर दोगे? यही स्पिरिट है, बैड मुंडे दी स्पिरिट होंगी है। दोस्तों जी, फाइनली इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं दोस्तों। तो अब होना था बैकग्राउंड और आउटफिट दोनों चेंज। बैकग्राउंड को चेंज करने में, जो कि ब्लैक पोर्शन था सेट का, उसको साफ करने में और पेंटिंग करने में काफी टाइम लग गया था, 4.5 घंटे लग गए थे कम से कम। और फिर हम 4.5 घंटे बाहर वेट करते रहे। तो आइए देखिए वीडियो, अब मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, जो कि मैं थ्रू आउट द वीडियो कर ही रहा हूँ। देखो गाइज, अगर मैं तुम्हें सच ही बताऊँ ना, वैसे तो मैं सच ही बताता हूँ, बट अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो आई एम काइंड ऑफ अ सेमी इंट्रोवर्ट पर्सन। अब जब बाहर जाता हूँ ना, तो मैं लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाता। अब मैं जो ये फुटेज देख रहा हूँ, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है इतने सारे बंदे थे, मैं भाई किसी से भी काम मांग सकता था, मतलब वीडियो एडिटिंग या फिर व्लॉगिंग या बिहाइंड द सीन शूट करने के लिए, और मैंने बात नहीं करी, इतनी फुद्दू हरकत करी मैंने। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। तो अब हो गया था बैकग्राउंड काला, अब आ गई थी बारी हमारी वीडियो में आने की। मुझे लगा अभी नंबर शेयर हो जाएगा, लगा मेरे को भी था, बट कोई चक्कर नहीं, नेक्स्ट कोई नहीं है। जो अपने आप देगा नंबर उसमें ज्यादा खुश होगा, फिर अपने आप। इस टाइम पे मैंने बड़बोले भैया को बोला था कि मैं वीडियो बना लेता हूँ कैमरे से और आप ग्रुप में चले जाओ। वैसे मेरा बनता भी नहीं था यार जाना, फुद्दू सा ही लग रहा था मैं, जबरदस्ती ये काले कपड़े पहने हुए थे मैंने। तो ये सीन पूछा था मैंने स्काई भैया से, क्या हुआ कि मतलब क्या बात चल रही है? तो कहते जो मेरा गाना है सिकंदर के साथ 33-10, तो उसमें एक लाइन आती है, तो उस पे कह रहा था लाइन बड़ी सही थी। मैं क्या, ओ सही है सही है। बस यही बता रहा था मैं। ये देखिए हमारे बड़े भैया अकेले से क्यों बैठे हैं, फोटो एडिट कर रहा हूँ। देखा
ये ले जाते हमारा आगे का क्रू दोस्तों वहाँ है, आपको वहाँ भी ले चलते हैं, आइए। ये इनकी बंदियों से चैट नहीं खत्म होती भाई, ये स्टड हो गए।